नमस्कार दोस्तों, मैं रवि तिवारी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक से। जैसे कि हमेशा जब कोई परीक्षा नजदीक आती है तो हम लोग करंट की श्रृंखला संस्था के द्वारा आप सभी लोगों के लिए प्रारंभ करते हैं, तो फिर से मैं रटलो सीरीज के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आराम से तैयारी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रदेश में दो तीन बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, आपका लोअर पीसीएस हो गया, इसके बाद यूपी पीसीएस भी आपका लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं यूपीएसआई भी लगा हुआ है और एनटीपीसी लगा हुआ है। लगभग लगभग चारों परीक्षाओं की रूपरेखा बन चुकी है। लोअर पीसीएस सितंबर में है, यूपीएसआई नवम्बर में होने चल रहा है। यूपीएसआई के अलावा अगर हम लोग देखें तो जो अगली परीक्षा जो मैंने नाम लिया था एनटीपीसी, वो परीक्षा की भी तारीख लगभग लगभग आपके पास में है। तो जब कोई परीक्षा होती है उससे ठीक 9 महीने पहले तक का करंट हम लोगों को पढ़ना होता है, तो फरवरी से लेके और अब आगे तक फरवरी से पूरा करंट आपको आगे तक का तैयार करना है। यह व्याख्यात्मक प्रश्न उत्तर की श्रृंखला है जिसमें मैं प्रतिदिन आपको 50 प्रश्न हल कराऊंगा और इन प्रश्नों के माध्यम से आप एपिसोड को पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि फायदा ये होता है कि एक प्रश्न की जब व्याख्या होती है तो उससे दो तीन प्रश्न और आसपास के तैयार हो जाते हैं, स्मृति और प्रश्न चिन्ह इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर हमें परीक्षा में याद आ जाता है। तो ना केवल प्रश्न का उत्तर ही आवश्यक है बल्कि उसकी व्याख्या सुनना भी बहुत आवश्यक है जिससे कि आपको लाभ हो। विगत एग्जाम्स में आपने देखा, विगत परीक्षाओं में देखा कि लोगों ने कहा है कि सर पूरा 30 में से 30 प्रश्न मिल गया था, बहुत मेहनत से इन प्रश्नों को सिलेक्ट करता हूं, बहुत मेहनत से प्रश्नों की व्याख्या करता हूं, पूरा रिसर्च होता है इन पर और इसके बाद फिर आपके समक्ष लाता हूं, तो उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी लेके आप लोगों को हल करा रहा हूं। तो आप अपने उत्साह को बनाए रखें, आपके लिए उपयोगी है। ज्यादा से ज्यादा एक साथ बैठ के 40 से 50 मिनट देखें जिससे कि आपको लाभ हो सके। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है, संस्था की तरफ से दो जानकारियां हैं कि यूपीएसआई का बैच 25 तारीख को संस्था की तरफ से प्रारंभ किया जा रहा है और यूपी टेट का एक और दूसरा नया बैच, मतलब यूपीएसआई और यूपी टेट ये दोनों ही बैच संस्था के द्वारा लाए जा रहे हैं। यूपीएसआई पहले आ रहा है क्योंकि परीक्षा की रूपरेखा बन चुकी है, तो यूपीएसआई की 25 तारीख को अनाउंसमेंट होगी और उससे संबंधित जानकारियां लगातार चैनल पर चलने लगी हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है काउंसलर्स के हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, तो यूपीएसआई से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यूपी टेट की भी डेट सीट आ गई है, नवंबर में परीक्षा है, तो यूपी टेट का एक बैच संस्था में संचालित हो रहा है और दूसरा जो बैच है वो हम लोग सितंबर के पहले सप्ताह में लेके आ रहे हैं। तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा और इंतजार करें, पूरा नया फ्रेश बैच हम लोग सितंबर में यूपी टेट का लाएंगे। तो आइए आज से पढ़ाई लिखाई की शुरुआत करें हम लोग, और इस सीरीज का जैसे कि हमेशा नाम आपने रटलो दिया हुआ है तो फिर से इस सीरीज को हम लोगों ने रटलो कहा है, तो रटलो एक इसका मतलब है पहली सीरीज के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो आइए फिर से एक बार शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तर की इस श्रृंखला की। आइए मैं स्क्रीन पर ले आता हूं प्रश्नोत्तर और आपको भी उत्तर करना है, मैं भी आपको समझाता रहूंगा। ये मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में भी हेल्पलाइन नंबर है और कुछ हेल्पलाइन नंबर ये यहां पे भी है, यहां से भी आप ले सकते हैं, मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। पहला प्रश्न है आपके सामने जो लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखिए आप लोग पढ़िए इसको, मैं थोड़ा सा पहला दिन है तो थोड़ा इसको सेट कर लूं एक स्क्रीन को ताकि आपको असुविधा ना हो। हाँ, तो ये पहला प्रश्न है आपका लिखा है, शंघाई सहयोग संगठन की 18वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया? उत्तर करें आप लोग जल्दी से, बताएं। चार विकल्प हैं आपके, बताएं। मैं स्क्रीन से हट जाऊंगा प्रश्न पढ़ने के बाद ताकि आप अच्छे से प्रश्न को देख सके, क्योंकि मेरे स्क्रीन पर रहने पर प्रश्न आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। हाँ, तो यहां पर शंघाई सहयोग संगठन की 18वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया? चीन, किर्गिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, बताएं। देखिए जो शंघाई सहयोग संगठन है इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है, बीजिंग में है। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? 2001 में। किर्गिस्तान के बिश्केक नामक स्थान पर इस वर्ष इसका आयोजन किया गया था। शंघाई सहयोग संगठन की 18वीं बैठक का आयोजन कहां किया गया था? किर्गिस्तान, है ना। और किर्गिस्तान का जो शहर है किस शहर में किया गया था? तो आप कहेंगे किर्गिस्तान के बिश्केक नामक शहर में किया गया था। क्लियर है? हाँ। कुल 8 सदस्य देश हैं इसमें, 8 सदस्य देश हैं और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य देश बने।
2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य देश बने। तो अगर हम पूरी जानकारी को अब एक साथ ले तो हम कहेंगे बीजिंग में इसका मुख्यालय है, 15 जून 2001 को इसकी हम लोग स्थापना की गई थी, वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं और भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। हाँ, और विश्व के किर्गिस्तान की अगर पूछा जाए किस जगह, तो हम कहेंगे बिश्केक में इसका आयोजन किर्गिस्तान के किया गया। ये इससे संबंधित पूरी जानकारी थी जिसको कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्लियर है। तो इसका उत्तर किर्गिस्तान होगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा स्पीड लेते हैं। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे पहली विदेश यात्रा निम्न में से किस देशों में की गई, बताइए। तो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा थी वो किस देश में की गई, तो सब देखिए वो मालदीव और श्रीलंका दो जगह गए थे। तो टेक्निकली देखा जाए तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले वो मालदीव गए थे और फिर श्रीलंका गए थे, क्लियर। तो पहली विदेश यात्रा उनकी दो देशों में थी, मालदीव और इसके बाद श्रीलंका, 8 और 9 जून, मालदीव और श्रीलंका। और जब वो मालदीव गए तो उन्हें मालदीव का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया, मालदीव का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया जिसका नाम था रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, रूल ऑफ निशान, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, क्लियर, इजुद्दीन, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है सर्वोच्च सम्मान था मालदीव का जो उनको प्रदान किया गया। तो मालदीव की यात्रा की और श्रीलंका की यात्रा की, तो ये दोनों ही विकल्प सही हैं और ये टाइपिंग की मिस्टेक है कि प्रश्न का उत्तर सही नहीं है। तो आप याद रखिएगा मालदीव और श्रीलंका की यात्रा उन्होंने की थी, दोनों ही देशों की यात्रा की थी और मालदीव के सर्वोच्च सम्मान को इनको दिया गया। तीसरा प्रश्न है आपका कंफ्यूजन की जरूरत, पहला खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया गया। देखिए इस वर्ष पहला खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया और पहला खाद्य सुरक्षा दिवस आपका 7 जून को मनाया गया। अब इस वर्ष से प्रत्येक वर्ष 7 जून को आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाएगा, जैसे लिखा है ना, खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा 7 जून को, ठीक है। और इसकी थीम थी खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार, सभी का सरोकार, खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। आप लोग जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 7 जून को पहला खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में मनाया गया और अब प्रत्येक वर्ष निर्णय लिया गया कि 7 जून को इस दिवस को मनाया जाएगा और इसकी थीम थी खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। आइए चौथा प्रश्न चलते हैं, द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 निम्न में से किसे प्रदान किया गया। मैंने आपको जब पढ़ाया था कक्षाओं में तो मैंने पुरस्कारों में आपको बताया था, 3 बुकर पुरस्कार मैंने आपको बताए थे। द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 निम्न में से किसे प्रदान किया गया, जॉन टी कैंडोर, अमिताभ घोष, एमली विचम और जोखा अलहार्थी। जोखा अलहार्थी को प्रदान किया गया, ये ओमान की लेखिका है, ओमान की लेखिका है, क्लियर है। हाँ, और ये पहली अरबी लेखिका है, अरबी भाषा की पहली लेखिका है जिन्हें यह द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 प्रदान किया गया। और इनके जो है उपन्यास का नाम है सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, जिस उपन्यास के लिए इन्हें मिला है उसका नाम है कृति का सेलेस्टियल बॉडीज, इस कृति के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, देश का पहला सौर रसोई वाला गांव हाल ही में भारत सरकार द्वारा कहां घोषित किया गया। देखिए आईआईटी बॉम्बे है ना, इस गांव का नाम है वांचा, कहां, वांचा, यह मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में स्थित है। पूरी तरह रसोई का जो कार्य है, रसोई के जो पूरी तरह कार्य है वो अब सौर रसोई, सौर रसोई हो गई इस गांव में, मतलब वो सौर ऊर्जा द्वारा ही पूरी तरह किए जाते हैं। और यह गांव जो सौर ऊर्जा बना है इसमें आईआईटी बॉम्बे के छात्रों का बड़ा योगदान है, क्योंकि इसको सौर गांव विकसित करने में आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने बड़ा योगदान दिया और इन्होंने सौर स्टोव बनाए, ऐसे सौर स्टोव कि यह सपना संभव हो सका, ऐसे सौर स्टोव बनाए कि यह सपना संभव हो गया। तो आईआईटी बॉम्बे के छात्रों के माध्यम से मध्य प्रदेश का बैतूल जिले का वांचा गांव सबसे पहला देश का सौर रसोई गांव बन गया।
छठवां प्रश्न है आपका, रमन वन जीरो नामक उपकरण निम्न में से किससे संबंधित है, बताइए। युद्ध से, पर्यावरण से, मिलावट का पता लगाने से, विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से। रमन 1.0 बताइए। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मिलावटखोरी का पता लगाने से, मिलावटखोरी भी कैसी तरह, तेल, वसा, घी, तेल, वसा, घी आदि में मिलावटखोरी का पता लगाने के लिए रमन 1.0 नामक जो है ये उपकरण संबंधित है। इससे किससे, मिलावटखोरी का पता लगाने से। अब एक और बात आप इससे संबंधित जान लीजिए कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको आप लोग कहते हैं FSSAI, क्लियर, इसके द्वारा कुल 19 उपकरण मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे 19 उपकरणों को मान्यता दी गई है, जिसमें से रमन 1.0 एक उपकरण है। इन 19 में से रमन जो 1.0 है वो एक उपकरण है। तेल, वसा, घी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा चालू किया गया, जारी किया गया हाल ही में, है ना, और FSSAI द्वारा अप्रूव्ड है। 19 उपकरणों में से एक उपकरण ये है जो तेल, वसा और घी का पता लगाने के लिए आपका जो है बनाया गया है, दिया गया है। सातवां प्रश्न है, लिखा है, अभी हाल ही में नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट, देखिए ये प्रश्नों की वो प्रवृत्ति है जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्या लिखा है, अभी हाल ही में नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट NDHB नामक रिपोर्ट जनता के लिए जारी की गई। बिल्कुल हाँ, देखिए सबसे पहले तो हेल्थ से जुड़ी हुई है ना, इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई गलत है, बिल्कुल गलत नहीं करके। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा गठित एक उच्च समिति की रिपोर्ट है और इस उच्च समिति ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की स्थापना का प्रस्ताव दिया। क्लियर है, स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को डिजिटल करना, क्यों, क्योंकि व्यक्तियों तक जल्दी पहुंचा सके, जिनको स्वास्थ्य और देखभाल की जरूरत है तो उनके और जो है चिकित्सा सुविधाओं के बीच की दूरी को कम किया जा सके, समय की बचत को, समय को बचाया जा सके और तत्काल उनके पास पहुंचा जा सके। इसी के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट है और इस उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की स्थापना का प्रस्ताव दिया है, ये नीति आयोग द्वारा जारी नहीं है। तो 2 और 3 कौन सा सही है, 2 और 3, तो बी ऑप्शन आपका यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा। अगला, तो बस आपके स्वास्थ्य सुविधाओं के कवरेज को समय अनुकूल बनाने और समय सीमा को बचाने का और स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए यह एक प्रयास है। 8वां प्रश्न आपके लिए है, यहां पर तेजी से बताएं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ब्लू फ्लैग प्रमाणन हेतु भारत में 12 समुद्री तटों का चयन किया है। प्रश्न पढ़ लें आप, विकल्प में से कौन सा समुद्र तट इसमें शामिल नहीं है, बताएं। 12 समुद्री, इस प्रश्न को मैं एक बार और आपको समझ करवा चुका हूं, कोलवा तट, दक्षिणी गोवा का कोलवा तट इसमें से शामिल नहीं है। पहले तो समझ लें कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन ये क्या है, ये मानक है, क्या है, मानक। ये मानक किस किस से संबंधित है, तो ये मानक जैसे तटीय सुरक्षा, तटीय सुरक्षा से संबंधित ये मानक है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है कि आपने तटीय इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है क्या, कितना वो किया, विकसित किया, उससे संबंधित है। क्लियर है, बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है। पर्यावरण अनुकूलता कितनी है, पर्यावरण अनुकूलता कितनी है, स्वच्छता कितनी है, स्वच्छता कितनी है, सुरक्षा, पर्यावरणीय अनुकूलता, स्वच्छता, है ना, बुनियादी ढांचा, ऐसी चीजों को विकसित करने के बाद ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त होता है। आपको एक चीज और बता दूं कि है FEE एक संस्था है, FEE है ना, हाँ, FEE एक संस्था है और FEE द्वारा ये ब्लू प्रमाणन आपको दिया जाता है। इस FEE का फुल फॉर्म है फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, फ्रांस का ये संगठन है, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। फ्रांस का ये संगठन है FSCC, कहाँ पे, फ्रांस का संगठन है और 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। तो कोलवा दक्षिण गोवा में इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों इसमें शामिल है। क्लियर है, आइए। भारतीय रेलवे गाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए किस नई प्रौद्योगिकी का व्यापक परीक्षण कर रहा है, तो आपका उत्तर होगा त्रिनेत्र प्रौद्योगिकी।
किस प्रौद्योगिकी ने था, अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से, अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से हाँ, और घने कोहरे में कैसे सुरक्षित तरीके से रेल यातायात को चलाया जा सके, अल्ट्रासोनिक तरंगों के माध्यम से घने कोहरे में कैसे रेल यातायात को सुरक्षा पूर्वक चलाया जा सके जिससे खतरे कम हो, और उसके लिए जो जिस योजना पर, जिस प्रौद्योगिकी पर जो कार्य चल रहा है उसको क्या कहा गया, त्रिनेत्र प्रौद्योगिकी। पीयूष गोयल जी ने इसके जो है अभी कुछ दिन पहले आपने देखा जब बजट आया था तो पीयूष गोयल जी ने इसके लिए क्या किया था, शुरुआत की थी इसकी। आइए अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर संबंधी वैश्विक समिति ने जयपुर शहर को, देखिए ये जो वो प्रवृत्ति है प्रश्नों की जो आपसे दो तो तीन तीन कथन करके पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को पहले तो ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए, जब भी करंट के ऐसे प्रश्न मिले कोशिश करें कि हम ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को पढ़ें। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए अभी हाल ही में यूनेस्को ने विश्व की धरोहर संबंधी वैश्विक समिति ने जयपुर शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होना राजस्थान राज्य का तीसरा ऐतिहासिक स्थल है, बिल्कुल सही है, राजस्थान राज्य का तीसरा ऐतिहासिक स्थल है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, वर्तमान में भारत के कुल 38 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ये भी बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। आप पहले तो ये जान लीजिए कि जयपुर को जो शामिल किया गया है वो सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है, किस श्रेणी में शामिल किया गया है, सांस्कृतिक श्रेणी में। तो जयपुर को जो शामिल किया गया वो सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया, पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, वर्तमान में भारत के कुल 38 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं इस जयपुर को लेके, और भारत के अब तक 9 स्थलों को प्राकृतिक श्रेणी में रखा जा चुका है, ये गलत है। ये तीसरा वाला क्या है, गलत है ना, क्योंकि इसका जो 38 का है हाँ वो ऐसे है, 30 तो सांस्कृतिक है, कृतिक है, क्लियर। और जैसे लिखा है ना यहां पे कि 9 नहीं 7 प्राकृतिक है, 7 स्थल क्या है, प्राकृतिक है, और एक स्थल जो है वो मिश्रित है, मिश्रित श्रेणी में शामिल है। तो टोटल 38 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 38 है ये सही है, लेकिन 9 नहीं है, 7 प्राकृतिक स्थल है। तो अब हम लोग कहेंगे कि तीसरा वाला गलत है, तो पहला और दूसरा क्या है, सही है, तो हम कहेंगे केवल एक और केवल दो, क्या कहेंगे, एक और दो। आगे चलते हैं, तेजी से बढ़ते आगे। मई 2019 में किस राज्य सरकार ने किशोरों के लिए उजाला क्लिनिकल को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया, एक उजाला क्लिनिकल आपकी योजना है और आपको बताना है कि किसने किया। तो देखिए ये राजस्थान राज्य की योजना है और ये स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है, स्वास्थ्य से। अब फेस का मतलब क्या है, देखिए एक शिक्षकों की नियुक्ति करके स्वास्थ्य और हार्मोनल बदलाव, मानव व्यवहार के हार्मोनल बदलाव के बारे में युवाओं को जागृत करना, जिससे अमीनिया है ना, सॉरी अमीनिया नहीं, एनीमिया, जिससे जो एनीमिया है और कुपोषण, एनीमिया है और कुपोषण जैसी चीजों से युवाओं को बचाया जा सके और एक बेहतर स्वास्थ्य निर्मित किया जा सके, उनका एक बेहतर स्वास्थ्य का निर्माण किया जा सके। ध्यान रखिएगा यह राजस्थान जो है राज्य द्वारा चली गई उजाला क्लिनिकल स्वास्थ्य से संबंधित है। कुछ शिक्षकों को नियुक्त करके जो हार्मोनल बदलाव होते हैं एक निश्चित उम्र में, उनके बारे में जानकारी देना, और ऐसी जानकारी देना कि एनीमिया और कुपोषण के प्रसार से बचा जा सके, कम किया जा सके, और बच्चे युवाओं के स्वास्थ्य को अच्छा किया जा सके। तो ये राजस्थान सरकार का एक आपका क्या है, प्रयास है, राजस्थान सरकार का प्रयास है आपका, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका यहां पे, बार बार प्रश्न है, 16 मई 2019 को लोकपाल की आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन किसने किया, बिल्कुल पिनाकी चंद घोष साहब ने किया, किसने किया, पिनाकी चंद घोष साहब ने किया, और ये हमारे भारत के पहले लोकपाल हैं, आप सभी लोग इनके बारे में जानते हैं, पिनाकी चंद घोष ने किया, और 23 मार्च को इनको भारत का लोकपाल नियुक्त किया गया था, 23 मार्च को भारत का लोकपाल नियुक्त किया गया था, क्लियर। तो इसको ध्यान रखिएगा, आइए इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है। हाल ही में 100 वर्ष पूरे कर चुके रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है, देखिए इतिहास से जुड़ा है इसलिए रॉलेट एक्ट कब आया था इसके बारे में जरूर जानकारी रखिएगा, चूंकि इतिहास से जुड़ा है तो हम लोग जानते हैं कि 18 मार्च
1919 को इसको पारित किया गया था, है ना, 18 मार्च 1919 को इसको पारित किया गया था। तो 2019 18 मार्च को इसने अपने 100 वर्ष पूरे किए। अब कौन कौन क्या क्या इसमें था, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में कमेटी ने दो विधेयक तैयार किए जिसे रॉलेट बिल नाम दिया गया, बिल्कुल सही है। रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना अपील बिना दलील के व्याख्यात किया गया, यह भी सही है। और तीसरा है इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह सभा गठित की थी। देखिए तीसरा क्या है, इसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह सभा क्या की थी, गठित की थी, यह भी सही है। लेकिन चौथा सही नहीं है जिसमें लिखा है इस एक्ट के विरोध स्वरूप 1 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने हड़ताल का आह्वान किया था, डी गलत है। ये तीनों बिल्कुल सही है, ये तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। और यहां से तीन प्रश्न और निकल रहे हैं, देखिए तीन प्रश्न यहां से बन रहे हैं, किसकी अध्यक्षता में, सिडनी रॉलेट, बिना वकील बिना अपील बिना दलील, 5-10 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कानून किसको कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को, और इस किस कानून के खिलाफ या किस एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह सभा की स्थापना गांधी जी द्वारा की गई थी, तो आपका उत्तर क्या होगा, रॉलेट एक्ट। आइए अगला बढ़ते हैं, 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5 जून 2019 को यूनेस्को ने बेबीलोन शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है, यह शहर किस देश में है, इराक में स्थित है, है ना। और आप जानते हैं यहां का जो हैंगिंग झूला है वो विश्व के 7 अजूबों में शामिल है, विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। बेबीलोन कहां पे है, इराक में है, और इसका जो हैंगिंग झूला है वो विश्व के 7 अजूबों में क्या है, शामिल है। आइए, मई 2019 में अमेरिका ने भारत के अलावा किस देश को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया, क्लियर, भारत के अलावा स्विट्जरलैंड को बाहर किया, मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया। देखिए मुद्रा से संबंधित, मुद्रा संचालन से संबंधित चिंताएं, मुद्रा संचालन से संबंधित चिंताएं, करेंसी से संबंधित चिंताओं को देखते हुए मुद्रा निगरानी सूची में मई में भारत को शामिल किया गया था, और 28 मई को भारत को अमेरिका द्वारा भारत की सूची से बाहर कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची में चीन जापान जैसे देश आज भी शामिल है, मुद्रा निगरानी सूची में चीन और जापान जैसे देश आज भी शामिल है, लेकिन भारत और स्विट्जरलैंड को 28 मई को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, यहां से दूर कर दिया गया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया के 0 मामले वाले 5 देशों की सूची में कौन सा देश शामिल नहीं है, चीन, ईरान, अल सलवाडोर, मध्य अमेरिका का देश है, और श्रीलंका, इनमें से श्रीलंका शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अभी एशिया के 4 देशों को, ये तो एशिया का भाग है ना, अभी एशिया के 4 देशों को अगर हम लोग देखा जाए तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था, श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है, पहले ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर तो श्रीलंका होगा, है ना। अभी आपने देखा था कि 2019 में WHO ने अल्जीरिया और अर्जेंटीना, ये 2 ऐसे देश थे जिनको पूर्णतः मलेरिया युक्त घोषित किया था, अल्जीरिया और अर्जेंटीना पूर्णतः मलेरिया युक्त उन्होंने क्या किया था, घोषित किया गया। अभी एशिया के एक देश मलेशिया को भी पूर्णतः मलेरिया युक्त घोषित किया गया है, क्लियर है। WHO का एक कार्यक्रम भी चल रहा है E2020 इंसेंटिव, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि मलेरिया का उन्मूलन करना, मलेरिया का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना। तो E2020 आपका इसके लिए चल रहा है, E2020 इंसेंटिव। अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी E2020 इंसेंटिव किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे मलेरिया के उन्मूलन से संबंधित है, और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसको चलाया जा रहा है। 7वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में कितने आयुष वेलनेस सेंटर स्थापित करने की योजना है। पहले तो ये नाम समझ लीजिए, आयुष, क्लियर है, हाँ। पहले आयुष विभाग था नवंबर 2014 तक, और नवंबर 2014 के बाद इस विभाग को मंत्रालय में बदल दिया गया, अब आयुष मंत्रालय है। अब आयुष क्या है, मंत्रालय। 4200 केंद्र खोलने की घोषणा की गई है, 4200 वेलनेस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क इलाज के लिए होम्योपैथी आयुर्वेदिक जितनी दवाई की प्राचीन विधाएं हैं, चिकित्सा की प्राचीन विधाएं हैं, उनको संरक्षित करने के लिए आयुष, कौन सा मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय, और निःशुल्क इलाज के लिए 4200 वेलनेस सेंटर स्थापित करने की योजना है सरकार की।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च उत्कर्ष 2022 किसकी पहल है? हा, उत्कर्ष 2022 भारतीय रिजर्व बैंक की पहल है, ताकि हा जैसे ग्राहकों का और संस्थाओं का, ग्राहकों का और संस्थाओं का भरोसा बढ़ाया जा सके भारतीय रिजर्व बैंक पर। तो ग्राहकों संस्थाओं के भरोसे को बढ़ाने के लिए और पारदर्शिता और जवाबदेहता, पारदर्शिता और जवाबदेहता को निश्चित करने के लिए उत्कर्ष 2022 किसकी पहल है? भारतीय रिजर्व बैंक की पहल है, ध्यान रखिएगा। आइए 19वां प्रश्न। सरकार का लक्ष्य 2025 तक स्वास्थ्य व्यय को, अव्यय को जीडीपी के कितने प्रतिशत बढ़ाने का अनुमान है? बजट में 2.5%, बजट में घोषणा हुई है जीडीपी का कितना प्रतिशत? 2.5% बढ़ाने का अनुमान है। आइए 20वें सवाल से पहले एक जानकारी है, ये रीजनिंग की किताब है, ध्यान रखिएगा। ये मेरी रीजनिंग की किताब है, जिसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल तीनों ही विषय मैंने लिखे हैं। इस वर्ष की बेस्ट सेलिंग बुक है, चूंकि मैं ही प्रमोट कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं, है ना। और आपको यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, यूपी एसआई किसी भी एग्जाम को देना हो तो इस किताब में प्रैक्टिस के लिए बहुत जबरदस्त प्रश्न है। और इसके अलावा सारे यूपी ट्रिपल एससी के पेपर्स को, यूपी एसआई के पुराने पेपर्स को, बैंक पीओ के पुराने पेपर्स को, सीसेट के पुराने पेपर्स को कंपेयर किया गया है। कॉन्सेप्चुअल भी है और प्रैक्टिस भी है, मतलब कॉन्सेप्ट भी है जिस पैटर्न पर मैं पढ़ाता हूं, बहुत आसानतम लिखी है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको किसी से, आराम से आप ले सकते हैं, और प्रैक्टिस भी है। तो आप घर बैठे इस किताब को मंगा सकते हैं, संस्था की तरफ से व्यवस्था है, कूरियर आपको फ्री है, बस किताब बुक करने के लिए न्यूनतम दामों में किताब आपको मिल रही है। आपको 9452275777 ये एक नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल कर दीजिए कि हमें किताब चाहिए, रवि सर की रीजनिंग की किताब चाहिए। विश्वास मानिए, आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट न्यूनतम दामों में आप नहीं कर सकते। एक बार मंगाएंगे, जिन लोगों ने मंगाई है वो बता सकते हैं कैसी है, बहुत शानदार तरीके से। आप भारत के किसी भी कोने में हो, हम 10 दिन में किताब आपके घर पहुंचा देंगे और कूरियर हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है, कूरियर सुविधा संस्थान की तरफ से बिल्कुल फ्री है। आपको केवल इस नंबर पे कॉल करना है और कहना है किताब। किसी भी एग्जाम के लिए एक कंप्लीट रीजनिंग की बुक आप अगर अपने पड़ोसियों को, आसपास वालों को, अपने मित्रों को सजेस्ट करना चाहें, छोटे भाइयों के, आप स्वयं, आपको जरूरत हो आप मंगा सकते हैं। बेहतर से बेहतरीन करीब 700 पेज की किताब है, कंप्लीट कंपाइल्ड बेहतरीन प्रैक्टिस किताब, आइए मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, आइए नंबर पर कॉल कर लिए, मिल जाएगी। मुस्लिम महिला विधेयक 2019 के तहत प्रावधानित नियमों का पालन नहीं करने पर 3 तलाक के आरोपी को, अभी आपने देखा 3 तलाक, 370 बहुत महत्वपूर्ण मामले रहे हैं, 3 तलाक के आरोपी को सजा का क्या प्रावधान? 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। क्या प्रावधान है? 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। आइए थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने किस राज्य सरकार पर 100 करोड़ रुपए का अंतरिम जुर्माना लगाया, बताइए। आइए, तो अभी बहुत चर्चा का विषय रहा है, आप बताइए 21वें प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या होगा, बताएं। हाँ, किस पर लगाया बताइए, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश पर। आंध्र प्रदेश राज्य पर 100 करोड़ का जुर्माना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा लगाया गया। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य बना? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का 124वां सदस्य अंतर्राष्ट्रीय मलेशिया बना। कौन बना? मलेशिया, ध्यान रखिएगा। कौन बना? मलेशिया बना, ध्यान रखिएगा। आइए फिर लिखा है निपाह वायरस, कई बार आप सुनते हैं, हाल ही में किस भारतीय राज्य में पाया गया? 10 दिन पहले की बात है, केरल में इस वायरस को फिर से देखा गया। भारत के किस राज्य में? केरल में इस वायरस को फिर से देखा गया, निपाह वायरस केरल, भारत। 24वां प्रश्न है, थोड़ा तेज बढ़ते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ओबीसी के लिए आरक्षण को 27% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया? मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में ऐसा किया है। मध्य प्रदेश में जब नई सरकार का गठन हुआ है तो उन्होंने ओबीसी के आरक्षण को 27% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जो कि शायद देश में सबसे ज्यादा होने जा रहा है। क्लियर है? आइए 25वां प्रश्न है आपका। 3 जून 2019 को असम के जोरहाट से 13 लोगों के साथ कौन सा आईएएफ का विमान लापता हो गया था, जिसका मलबा 13 जून 2019 को
अरुणाचल प्रदेश में मिला है। बताइए कौन सा विमान लापता हुआ था जिसका मलबा मिला है, अभी आपने देखा होगा। और इसमें जो है, हाँ, तो ये IFAN 32 3 जून को लापता हुआ था, जिसमें जितने भी लोग सवार थे सभी जो है स्वर्गवासी हो गए, नहीं रहे, और इसका मलबा हम लोग को अरुणाचल में मिला था, याद रखिएगा। नागालैंड के एक राजनीतिक दल ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागा लोगों को प्राप्त विशेषाधिकारों को उनके विकास विवरणों को बाहर माना, अनुच्छेद 371A। ध्यान रखिएगा, देखिए अनुच्छेद 370 के आसपास जितनी भी गतिविधियां हैं और विशेषाधिकार जितने भी प्राप्त हैं उन सबको आपको पढ़ना है, क्योंकि ये चर्चा का विषय है और इस बार ये महत्वपूर्ण भूमिका में है, तो यहां से एक या दो प्रश्न आपको आएगा। नागालैंड भी विशेषाधिकार में है, 371 ये याद रखिएगा। आइए 27वां प्रश्न है, किस राज्य ने, देखिए पढ़िए एक बार, हाँ, किस राज्य ने राज्य के लोगों को जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के जल का अधिकार लागू करने की घोषणा की। तो जल का अधिकार लागू करने वाला भारत का प्रथम जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। जल का अधिकार, अधिकार बना दिया सभी को, जल के लिए अधिकार बना दिया और इसको प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है। 28वां प्रश्न पढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने अपनी हेल्थ केयर निवेश नीति 2019 का अनावरण किया। हेल्थ केयर निवेश नीति 2019 का अनावरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, बताइए। तो आप याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर। कौन है? जम्मू और कश्मीर। हेल्थ केयर निवेश नीति 2019 का अनावरण करने वाला भारत का पहला राज्य जम्मू और कश्मीर। आइए आगे बढ़ते हैं, 29वां प्रश्न, प्रेम सिंह तमांग ने 27 मई 2019 को किस राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी बने हैं। प्रेम सिंह तमांग जी कहां के मुख्यमंत्री हैं? सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है? हाँ। अगला लिखा है प्रश्न आपका, 30वां प्रश्न है, 16 मई से 22 मई 2019 तक सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के मध्य सिंगापुर में आयोजित हुआ था। किस किस के मध्य? नेवी, भारत और सिंगापुर के मध्य कहां आयोजित हुआ था? सिंगापुर में आयोजित हुआ था। आइए अगला है 31वां, भारत के साथ राजनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण विषय वस्तु पर आधारित एक विशेष स्मारक डाक टिकट 23 अप्रैल 2019 को जारी किया। सही उत्तर है इंडोनेशिया। क्या है बताइए? इंडोनेशिया। आइए, इंडोनेशिया ने एक विशेष डाक टिकट जारी किया, किस किस अवसर पर? 70 वर्ष पूर्ण होने पर राजनीतिक संबंधों के। भारतीय सेना द्वारा मात्र 40 दिनों में ले लद्दाख क्षेत्र, अब तो इसकी समय सीमा बदल गई है, सीमा बदल गई है और कई चीजों के परिवर्तन आप देख रहे हैं। ले लद्दाख क्षेत्र में 260 फीट सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज मैत्री, तो आपको देखिए मैत्री ब्रिज भारतीय सेना की अभूतपूर्व उपलब्धि, मात्र 40 दिनों में तैयार कर दिया। किस नदी के तट पर था? सिंधु नदी के तट पर था। किस नदी के तट पर था? सिंधु नदी के तट पर था। आइए 33वां लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन अप्रैल 2019 में ISO अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन बन गया? गुवाहाटी जो स्टेशन है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा ऐसा पहला स्टेशन बन गया भारत का, क्लियर है, जो ये प्रमाण पत्र प्राप्त किया है गुवाहाटी। 20 मार्च 2019 को विश्व खुशहाली दिवस के अवसर पर जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व यूनाइटेड नेशन द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है, 156 देशों में भारत का स्थान 140वां है और पिछले दो वर्ष में भारत की गिरावट, पहले 122वें स्थान पर था, उसके बाद पिछले वर्ष 133वें स्थान पर था और फिर 140वें स्थान पर आ गया, क्लियर। फिनलैंड लगातार दो वर्षों से यहां प्रथम स्थान पर है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स फिनलैंड यहां पर पहले स्थान पर लगातार बरकरार है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने पनडुब्बी और समुद्री युद्ध पोत को नष्ट करने में समक्ष 24 रोमियो सी हाक हेलीकॉप्टर भारत को दिया, भारत को देने के लिए इससे संबंधित समझौते को स्वीकृति थी, बताइए। इजराइल, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, बताएं कौन सा होगा, बताइए। अमेरिका कौन सा है, बताइए इसका सही उत्तर क्या है। अमेरिका आपका इसका सही उत्तर है ना। हाँ, 36वां प्रश्न है आपका, मार्च 2019 में प्रकाशित इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वेक्षण रिपोर्ट में विश्व के सबसे सस्ते शहरों में
तीन भारतीय शहर भी शामिल हैं, इनमें से कौन सा शहर शामिल नहीं है? हैदराबाद शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तीन भारतीय शहर शामिल हैं ये, लेकिन हैदराबाद इनमें शामिल नहीं है। आइए, 17 फरवरी से 2 मार्च के बीच भारतीय सेना ने म्यांमार की सेना के साथ चलाए गए एक अभियान में चीन द्वारा समर्थित कचिन इंडिपेंडेंट आर्मी के उग्रवादी संगठन आराकान आर्मी से संबंधित 10 शिविरों को नष्ट किया। इस अभियान को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन सनराइज। तो ऑपरेशन सनराइज, क्लियर है, किस देश से? ये कहां? कचिन इंडिपेंडेंट आर्मी चीन द्वारा समर्थित थी, और भारत ने, भारतीय सेना ने किसकी सेना के साथ मिलकर यह अभियान किया? म्यांमार की सेना के साथ यह अभियान किया, और इसका सही नाम क्या था पूरा? ऑपरेशन सनराइज। अगला है, चुनाव आयोग के मार्च 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार 17वें लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे आगे रहा? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल में जो है आपका मतदान सबसे ज्यादा हुआ। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत लद्दाख को पृथक मंडल, अब तो ये चूंकि केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, लद्दाख को पृथक मंडल के रूप में स्वीकृत 8 फरवरी 2019 को प्रदान की गई थी, तो 2 जिले ऐसे थे जो लद्दाख में शामिल किए गए थे, कौन कौन से? तो आप कहिएगा लेह और कारगिल। मंडल में 2 जिले शामिल किए गए थे, लेह और कारगिल। 40वां प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तुत अपने बजट में निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री की, अब देखिए किस राज्य के नाम, कितनी योजना है? आशीर्वाद योजना, सुजलाम सुफलाम योजना और मीठी क्रांति, उत्तर प्रदेश। ये तीनों योजनाएं किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश। अभी मैं व्याख्या करूंगा इन योजनाओं की। आशीर्वाद किससे, और सुजलाम सुफलाम और मीठी क्रांति, ये तीनों योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित, ध्यान रखिएगा। 41वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु विधानसभा में 11 फरवरी 2019 को पंचायती राज संशोधन विधेयक, नगरपालिका संशोधन विधेयक पारित किया? शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए 41वें प्रश्न का उत्तर आपको देना है। कौन सा ऐसा राज्य है? हरियाणा इस योग्यता को लागू करने वाला पहला राज्य था, और समाप्त किसने किया है विधेयक के द्वारा? राजस्थान ने। राजस्थान ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, और हरियाणा ने सबसे पहले इसको लागू किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 14 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से गुजरा, हाँ ये 10% जो आप देखते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो EWS है आपका, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण देकर इस मामले में देश का पहला राज्य बनने का श्रेय लिया? गुजरात। कौन है? गुजरात। गुजरात ऐसा पहला राज्य है जिसने 10% आरक्षण की व्यवस्था को अपने यहां क्या किया था, बताइए? लागू किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 43वां, विंबलडन चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाता है? इंग्लैंड, लंदन शहर में। कहां किया जाता है? इंग्लैंड, विंबलडन लंदन में, इंग्लैंड में। क्लियर है? आसान प्रश्न था। आइए, विंबलडन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष युगल के विजेता कौन है? पुरुष युगल के विजेता, हाँ कौन है? युवान सेबेस्टियन और रॉबर्ट फ्रायर। युवान सेबेस्टियन और रॉबर्ट फ्रायर, क्लियर। हाँ, युवान सेबेस्टियन और रॉबर्ट फ्रायर कहां के थे? कोलंबिया के थे। ये कोलंबिया के हैं, जगह का नाम भी याद रखिएगा, कोलंबिया के हैं। पुरुष युगल मैंने पूरा नोट्स आपको भेजा है, बताया है। और एकल के विजेता कौन है? नोवान जोकोविच। नोवान जोकोविच, नोवान जोकोविच एकल के विजेता हैं, आपको याद रखना। सर्बिया के हैं, ये कहां के हैं? सर्बिया नामक स्थान के हैं। बड़े खिलाड़ी हैं, अक्सर जो है चर्चा में रहते हैं। आगामी फीफा महिला विश्व कप का आयोजन कब और किस देश में होगा? देखिए फिर से प्रश्न आपको दोहरा रहा हूं, महिला फीफा महिला विश्व कप की बात हो रही है। आगामी फीफा महिला विश्व कप का आयोजन 2023 में चीन में किया जाएगा। महिला फीफा विश्व कप की बात कर रहा हूं, 2023 में चीन में किया जाएगा। 46वां प्रश्न, क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन 5वीं बार कहां किया गया? इंग्लैंड एवं वेल्स में। कहां किया गया? इंग्लैंड एवं वेल्स में। इंग्लैंड एवं वेस्ट इंडीज गलत है, इंग्लैंड एवं श्रीलंका, इंग्लैंड न्यूजीलैंड गलत है, इंग्लैंड एवं वेल्स क्या है? सही है। 47वां, अभी हाल ही में को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचयन को लेकर शुरू किए गए अभियान के तहत कहां देशव्यापी पौधारोपण की शुरुआत की? तो आपका उत्तर क्या होगा? वाराणसी में। कहां की? वाराणसी में। देशव्यापी पौधारोपण की शुरुआत वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में।
बजट 2019-20 में सरकार को खर्च की सबसे बड़ी मत कौन सी है? इसको तो आप बजट में हमेशा पढ़ते हैं, करों एवं शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है वो केंद्रीय बजट की सबसे बड़ी मत है ना। करों एवं शुल्कों में जो राज्य का हिस्सा है वो केंद्रीय बजट की सबसे बड़ी मत है। अगला प्रश्न है आपका, बजट 2019 में भारत के जनसंरक्षण हेतु शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत की गई? चारों विकल्प आप पढ़ लीजिए जरा सा, जल शक्ति मिशन, जल जीवन मिशन, जल भाग्य मिशन और जल संरचना मिशन, बताइए क्या होगा आपका उत्तर, बताएं। हाँ, तो आपका उत्तर होगा जल जीवन मिशन। क्या होगा? बी, जल जीवन मिशन। तो भारत सरकार द्वारा बजट 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की गई, क्या? जल संरक्षण हेतु, जल संरक्षण हेतु बजट से संबंधित है। 50वां प्रश्न है आपका, चंद्रयान 2 22 जुलाई को, आपको मालूम है 22 जुलाई भारत के इतिहास में ऐतिहासिक दिन हो गया है, 22 जुलाई को चंद्रयान 2:43 अपराह्न जो प्रक्षेपित किया गया था, और ये GSLV में कंफ्यूजन मत होइएगा, ये GSLV-3 द्वारा भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? GSLV-3 द्वारा भेजा गया था श्रीहरिकोटा से। कहाँ? श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। तो ये आज पहली सीरीज थी, बहुत दिनों बाद एक इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो ये पहली सीरीज थी जिसको मैंने आपको बताया, क्लियर है। अब हम लोग प्रतिदिन 9 बजे और अच्छे प्रश्नों के साथ आपके सामने होंगे। ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जहां पर आप, जो संस्था में 2 बैच आपके आने वाले हैं, कौन कौन से, जैसे मैंने बताया था, एक बैच तो है आपका UPSI और दूसरा बैच आपका कौन सा है, UPSI के अलावा। UPSI के बारे में संपूर्ण जानकारी आप इन नंबर से प्राप्त कर सकते हैं, और जो लोग यूपी टेट वाले हैं वो लोग थोड़ा सा वेट करें, 3 और 4 तारीख से एक नया बैच पूरा यूपी टेट का आपके लिए लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट करिए। UPSI वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, वो संस्था में डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर भी फोन करके लगातार यूपी टेट के बारे में UPSI के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 25 तारीख को बैच से संबंधित पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, और आप लगातार चैनल पर देख रहे हैं, धीरे धीरे जानकारी आपको मिल रही है, ठीक है। तो जो लोग चैनल से जुड़े रहे हैं, ऐसे ही सहयोग बनाए रहे, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहे। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन से इसके PDF को आप ले सकते हैं। पहली रटलो सीरीज में मेरे से जो है, मेरी तरफ से इतना ही, मेहनत से पढ़ाई करें, अगले 10 से 12 दिन लगातार आपके साथ रहूंगा, कोशिश करूंगा करंट का एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के पेपर से बाहर ना जाए, और पूरी तरह से करंट आपको मैं क्या करूं, तैयार कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अगले 50 प्रश्नों के साथ कल फिर मुलाकात होगी, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाए, खूब सारे नंबर दिए गए, फोन करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।